हेलो गाइस, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल कर रहे थे। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो को ही देखें ताकि आपको समझ में आए। न तो मैं से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को न देखें, उन्हें समझ में नहीं आएगी जी। ठीक है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा था, इसमें बहुत सारे एरर थे। और ज्यादा से ज्यादा जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है, विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो मेरे चैनल में। जो इस टाइप का मैं वीडियो डाल रहा था उसमें क्या था कि व्यू बहुत कम मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस पार्ट को मैं बंद कर देता हूँ और मैं कोई और पार्ट स्टार्ट करता हूँ। लेकिन चलिए फिर से मैं दोबारा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था, नहीं सर स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी दिक्कत हो रही है ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैं कमेंट की परेशानी की वजह से मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि y1 है जी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या ले रहा है जी, तो 10 m/s² से एक्सेलरेशन ले रहा है। ठीक है, 10 m/s² से, थोड़ा सा मैं इसको वीडियो को जूम कर देता हूँ। चलिए जी, तो ठीक है जी, अब देखिए, तो अब क्वेश्चन आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है जी, यहां से आप समझ सकते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है जी। तो चलिए जी, अब है यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, 100 था, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना था, 10 m/s। आप क्वेश्चन देख के पढ़ के समझ सकते हैं जी, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, बोल रहा है समांतर अपेक्षण गति से प्राप्त करने के लिए ध्वन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी यहां से यहां s की बताना है जी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं v² = u² + 2as। ठीक है जी, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v² = u² + 2s। देखिए फाइनल वेलोसिटी को पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, s चाहिए तो s निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, तो 100 m है, ये 10 m/s² एक्सेलरेशन है। तो 100 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 2as। ठीक है जी, यहां से क्या हो जाएगा, ये 100 × 100 = 10s, 2 से 5, तो क्या हो जाएगा 5। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा आंसर क्या आएगा जी, तो 500 आ गया। एस की वैल्यू क्या आ गई, एस क्या है जी, हमारे यहाँ पे डिस्टेंस ही तो है, तो ये क्या चला, 500 m चला होगा। ठीक है ना, इतना चलने के बाद क्या हो गया जी, इसका स्पीड क्या हो गया, तो 100 m/s आ गया होगा। तो चलिए इतना हमने आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, और हाँ जी चलिए, तो क्वेश्चन ए बन गया, आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 500 m है, तो आंसर हमारा आ गया s = अगर इस फॉर्मूले में देखिएगा, इसके इसके क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए, ए क्या लगा, एक तो v = u + at लगाया, फिर से s = ut + ½ad² लगा। तो बताइए जब हमको एक फॉर्मूले में हो रहा है तो हम दो फॉर्मूले में क्यों बनाएंगे जी। तो इस तरह समझ सकते हैं, मेरा कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर है जी, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, जो भी मुझसे पढ़ेगा उसका भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कंसेप्ट आपको क्लियर रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, जब कंपटीशन में हो तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यों लगाओगे जी। मैं बोल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा क्वालिफाइड लोग यहाँ इस दुनिया में पढ़े हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छी से मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये प्लेटफॉर्म वाले बस प्लेटफॉर्म है, कहते हैं कि हम रेलवे है, ये है वो है। अब मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कितनी सारी गलतियां थी ना, तो चलिए ये सब मतलब इन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, चलिए उन सबको हमको क्या डिस्कस करना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी वस्तु को 30 m के से गिराने पर t समय लगता है जी। बोल रहा है कि 30 m की हाइट से गिराने के लिए कितना टाइम लगता है, तो t सेकंड लगता है। इसी वस्तु को अगर 120 m की ऊंचाई से गिराना हो, 120 m की ऊंचाई से गिराना हो तो कितना समय लगेगा, यही बताना है जी। ठीक है जी, तो अब देखो जी, फ्री फॉल है ग्रेविटी में, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, s = क्या होता है, s = ut + ½ at² होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है जी, u यहाँ पे 0 है, दोनों केस में क्या होगा, u 0 होगा। अब बोल रहा है कि यहां से 30 m आने में कितना टाइम लगता है, तो t टाइम लगता है, तो 120 डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो चलिए
अब देखिए जी, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है जी, एस के बराबर क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। इसके लिए पहले इसके लिए लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे प्लस, इसके लिए लगाएंगे एस के लिए, तो क्या है, एस यहाँ पे थ्री है, थर्टी है सॉरी, यू क्या है जी, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा टी से, हाफ एक्सलेशन जो यहाँ पे होगा वही एक्सलेशन तो यहाँ पे भी होगा, तो दोनों में हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम दोनों में ऐसा कर सकते हैं, दोनों में क्या है जी, एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन क्या है जी, सेम है, और टाइम यहाँ पे टी था तो टी रख दिए, यहाँ पे जो भी होगा हम टी टू रख लेते हैं, ठीक है जी, टी टू आएगा, हमको टी टू यानी निकालना है, सॉरी, तो यहाँ पे टी वन लिख, यहाँ पे टी वन टाइम मान लीजिए, यहाँ पे टी टू टाइम मान लेते हैं, ठीक है, इसके लिए लगाते हैं जी, एस बराबर क्या हो जाएगा, 120 यू जीरो बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो चलिए जी, हमने दो इक्वेशन लिख रखा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इस तीस के लिए हमने लिखा है, एक 120 के लिए लिखा है, तो देखिए यहां से यहां आने में, यहां पे बोल रहा है कि टी वन टाइम लगा है, यहां पे क्या लगा है, टी टू टाइम लगा है, देखिए यहां पे एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन में गिर रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन सेम होगा, उसके बाद टाइम अलग अलग होगा, डिस्टेंस हमको दिया है तो सब हमने हमने रख दिया, पहले वाले इक्वेशन में भी रख दिया, दूसरे वाले में भी रख दिया, अब क्या है, इस दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा जी, तो चलिए हम एक बट्टा चार बराबर हाफ हाफ ए, ए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए ए कैंसिल हो जाएगा, टी वन का स्क्वायर अपॉन टी टू का स्क्वायर, ठीक है जी, तो अब इसको रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी वन बाई टू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टी वन अपॉन टी टू हो जाएगा, रूट लेंगे तो यहां से हमको पता चला कि जो टाइम आएगा टी टू क्या हो जाएगा, टी टू यहां से आ जाएगा टू टी वन, यानी यहाँ पे जो टी टू लग रहा है किसका है, इसका डबल है जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो टू टी हो जाएगा, ठीक है जी, अब आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोल रहा है, किसी गेंद पे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इतने मीटर ऊंचा एक इमारत की छत के अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, देखिए जी, अगर इतना मीटर वेग से इतने मीटर की ऊंचाई से छत पे अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया है तो गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, देखिए इसमें हमको U दिया गया है, किसी गेंद से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इतने मीटर ऊंची एक इमारत को छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, अच्छा जी, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करने का मतलब देखिए जी, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे क्या किया गया है, तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या किया गया है जी, इसे फेंका गया है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं जी, इसको 5 मीटर पर सेकंड के वेग से हमने इसे फेंका, ठीक है जी, तो ये 5 मीटर के ऐसे जाएगा और क्या होगा, उसी समय जो ग्रेविटी आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी है, वो भी क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो उस समय से उतना ही समय में इधर भी आएगा, उतना ही समय में इधर भी जाएगा, अब बोल रहा है वह गेंद धरातल से पहुंचने में कितना समय लगेगी, तो धरातल से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगी, अब देखो जी जितना ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई कितना है, तो 19.6 है, कितना है, तो 19.6 है, तो एस वाला फॉर्मूला लगाए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे U इस डायरेक्शन में क्या है जी, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा UT, S क्या है जी, 9.6 है, हाफ A क्या है जी, तो 9.8 है T स्क्वायर, ठीक है जी, तो यहाँ पे 9.2 T का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 सेकंड आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 सेकंड आ जाएगी, तो आंसर हमारा आ गया क्या जी, बी ऑप्शन, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है जी, उसको समझिएगा, सिंपल समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा लेंदी समझिएगा तो दिक्कत होगा ही होगा, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो जी, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, बोल रहा है एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है, खड़ी पहाड़ी है जी, ठीक है ना, ऊपर से क्या करता है, एक लड़का पत्थर गिराता है कि 8 सेकंड से भूमि तल पर पहुंचता है, बोला कि यहां से गिरा और 8 सेकंड में क्या पहुंचा जी, ये भूमि तल पर पहुंच गया, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताना, तो इस पहाड़ी की ऊंचाई बताना, देखिए जी एस, तो एस बराबर क्या था, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला था, ये एस मेरा क्या है, यही तो हाइट है, यू क्या है जी, अब यहां से फेंका है तो जीरो वेलोसिटी से फेंका है, नहीं दिया तो जीरो ही मानेंगे, प्लस हाफ ए, ए का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 होता है या 10 ले लेंगे, वो देखेंगे कैलकुलेशन कैसा है, टी स्क्वायर, टी कितना लगा है, तो 8 का स्क्वायर जी,
आठ का स्क्वायर। चलो जी, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 4.9 गुने 8 × 64। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आ जाएगा 313.6 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 313.6 यानी डी आंसर हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कि इसको समझने की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो जाकर, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बना रखा है, बेसिक साइंस का अलग बना रखा है, करंट अफेयर का अलग चैनल बना रखा है। आप उन सभी प्लेलिस्ट में जाएं और उन सबको अलग अलग देखें, आप देख सकते हैं कि मैं उन सबको चैलेंज करता हूं जो 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उनको अभी भी उस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस नॉलेज को फुलफिल नहीं करते हैं जो क्या चाहिए, जो हमें चाहिए जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक पिंड स्थिर अवस्था में, थोड़ा सा जूम कर, तो एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है और अगले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए जी, तो बोल रहा है कि 4 सेकंड में S1, मान लीजिए 4 सेकंड में जी, 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। पिंड स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट करता है ut + ½ at² समान त्वरण है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे जी। तो S1 हो जाएगा u0 है + ½ at² कितना है जी, 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 16 2 8 ए स्क्वायर। S2 का देखा जाए तो S2 क्या है जी, अब अगले 4 सेकंड यानी 8 सेकंड तक, 4 सेकंड तो ये चला, फिर से अगले 4 सेकंड तक ये चलेगा। तो जो S2 आएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी बोल रहे हैं जी, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है जी, S2 मान लेते हैं हम पूरा, यहां से यहां तक चलने का S1 है और यहां से यहां क्या है जी, S2 है। ठीक है, तो S2 जो दूरी है क्या हो जाएगा, u0 है तो 0 ½ at² क्या है जी, तो 8 का स्क्वायर 64 32 a s2। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं एक क्या हुआ, S1 क्या है जी, आपको 8a था, यहां 32 है, तो S2 क्या है, S2 - S1। ये बोल रहा है अगले 4 सेकंड में तय की कई दूरी, अब देखिए 4 सेकंड में यहां दूरी किया, 8 सेकंड में इतना किया, तो अगले जो ये 4 सेकंड है, अगले 4 सेकंड में S2 - S1 होगा, तो S2 - S1 करेंगे 32a में से क्या करेंगे 8a घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 24a। ये क्या हो जाएगा, 24 से चला है अगले 4 सेकंड में। ठीक है जी, तो ये बताना है S1 जो है 8a है, तो ये क्या है 24a है, तो कितना है 3 गुना है ना जी, तो बोलेंगे 3s। ठीक है, कितना सिंपल है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का तरीका पकड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो भी फॉर्मूला में लिख रहे हैं, जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, एस क्या है, एच क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है जी। अगर नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन क्या होगा, आपको हमेशा उलझाएगा जी, हमेशा उलझाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप स्पीड एंड वेलोसिटी का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो इससे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी का जो मैंने लेक्चर करा रखा है उसको जाइए और देखिए, आपको जरूर ही एक, मैं इतना गारंटी देता हूं, कोई भी चैनल से आप पढ़े भी हो तो भी आपको मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास देता हूं कि आपको एक कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने देखा है कि रेलवे के जैसे ही फॉर्म आया है, जो भी बीटेक वाले थे उधर से, ठीक ना, चाहे वो लट्टू हो, चाहे वो गधा हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने बुक लिख दिया है भाई, बुक लिख दिया है, उन्हें कुछ नहीं पता है। आप बताओ, वो जिन्हें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, इसमें मेजरमेंट में बोल रहा हूं कि दिया गया सिलेबस में, अरे सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक दिया गया है, सारे सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन छाप रखे हो, बताओ क्या मतलब, जिन्हें सिलेबस नहीं समझ में आती है वो सब भी क्या करें बताए। 10-10 मिलियन के व्यूअर है, अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन का त्याग लगाकर, पता नहीं मतलब जो भी है, इंस्टीट्यूशन को तो भाई कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए कि टीचर को कम देना पड़े, स्टूडेंट से ज्यादा लेना पड़े, तो उनकी एक पॉलिसी होती है। और चलिए, अब कुछ लड़के को यह भी कमेंट है कि सर आप भी तो पैसे के लिए कर रहे हो, तो मैं बता देना चाहूंगा जी, इस यूट्यूब से तो मैं नहीं कमाता हूं,
इस YouTube चैनल से मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन आप लोगों का कुछ अगर भला हो जाता है तो चलिए मैं मानता हूँ कि मैं कुछ कमाता हूँ जी। तो चलिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और मुझे उस चैनल को, मैं चाह रहा हूँ कि इस चैनल में और भी लोग जुड़े। जो भी लड़का इससे इंटरेस्टेड हो तो प्लीज वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर दूसरा कोई भी है तो मैं उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस लेकर उन्हें एंट्री कराऊंगा जी इस चैनल पे। क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल को पर्टिकुलरली रेलवे और एसएससी के लिए ही बिल्डअप किया जाए, तो क्यों ना कोशिश करना जाए। तो अभी तो चलिए स्टार्टअप किया जाता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद इतने मीटर पर सेकंड का स्क्वायर समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। कुछ लड़के का ये भी कमेंट था कि सर आपका जो ये थी लेक्चर है इसका पीडीएफ भेज दिया, तो मैं बता देना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर बुक वाले कॉलम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जी। मैंने सारे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, जो आपको ये बुक है मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म के, मैंने उसका दे दिया जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंफर्ट जोन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे भी पढ़ाई कर सकते हैं जी। तो चलिए ये सब हमारी कोशिश है, और आप इसको सराहिए और मुझे एक अच्छा सक्सेस यूट्यूबर बनाइए। यूट्यूबर बनने की कोशिश में चाह में मैं आया हूँ, तो आप इसको सक्सेस कीजिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन 15। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान तौर से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा। देखिए जी ऊंची सिर से गिराया गया है तो उसका मतलब u क्या था जी, जीरो था। u क्या था वहां पे, जीरो था, ठीक है जी। एक्सेलेरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तौर से गिराया गया है, 3 सेकंड बाद यानी t क्या है जी, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगा जी, बोला उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बताना है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at वाले फॉर्मूला होता है। u क्या है जी, जीरो है मेरा, ए क्या है जी, 9.8 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, भी मिल जाएगा, भी बराबर 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27 और 2 = 29, 29.4 मीटर पर सेकंड होता है यूनिट। देखिएगा यूनिट अगर नहीं लिखेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन मैं बता रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा है, जिसको भी डाउट हो आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जाइए पढ़िए, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन से आप न्यूमेरिकल भी मैंने शायद करा दिया है, हाँ टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपको यूनिट एंड डायमेंशन ही था, उसको भी मैंने करा दिया है, एकदम लॉजिकल कराया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, मुझे देखिए बहुत निराशा हुई है कि मुझे अभी तक चैनल मेरा मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, मैं वीडियो भी बंद कर दिया था क्योंकि देखिए व्यू ज्यादा नहीं है। हाँ लेकिन कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर व्यू तो आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, अगर जैसे आपने 15-20 दिन में अगर इतने सारे सब्सक्राइबर अगर गेन कर लिए तो ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मुझे मोटिवेट करने लगे कि क्या कर रहे हो, आपको तो बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है, विदाउट आपने बजट के भी बहुत सारे काम कर रखे हैं जी। तो मैंने कहा चलो तब स्टार्ट ही कर देते हैं, और फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, एक लेवल तक पहुंचाया जा सकता है जहां तक इसको रिक्वायरमेंट हो जी। अगला क्वेश्चन है 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 बोला यदि किसी गेंद प्रारंभिक वेग 10 मीटर से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाती है जी, प्रारंभिक वेग क्या है जी, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ दी गई है, ये u है आपको, क्या है जी, u है, ठीक है, ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाती है और 2 सेकंड बाद उसका वेग यानी v बताना है जी, कितने सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद। तो चलिए v का फॉर्मूला लिखते हैं, v बराबर देखिये जी v ऊपर मान लिए, ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव लेंगे, तो भी यू प्लस ए टी। अब देखिए ग्रेविटी जो लग रहा है किधर लग रहा है जी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये एक्सेलरेशन ही तो है जी, जी नीचे लग रहा है, जी नीचे लग रहा है, हमने फॉर्मूला भी ऊपर था, यू हमारा ऊपर था, तो हमने पॉजिटिव माना है, तो भी क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर पॉजिटिव रहेगा, यू क्या है 10 है, ऊपर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है जी, माइनस जी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, टी कितना है जी, तो 2 सेकंड के लिए लिखना था। अब जी का वैल्यू हम क्या रखें, क्वेश्चन के ऑप्शन हमको देख के पता चलेगा, देखिए यही मैं बात बताता हूं, क्वेश्चन के ऑप्शन से देख के हमको पता चला है कि 9.8 के टर्म में ही जी रखा गया, 10 नहीं रखा गया जी, तो हम क्या रखेंगे, 9.8 रख लेते हैं इंटू 2, तो वी आ जाएगा आपको 10 माइनस 8 × 16 = 9 × 18 = 17, तो आपको आ जाएगा -7.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया है, क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी सी गलती की है, ठीक है जी, आपको इतना आ जाएगा, नहीं नहीं एक मिनट, 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा जी, सॉरी चलिए जी कुछ गड़बड़ हो गया,
इस क्वेश्चन में थोड़ा डाटा क्या है जी, इनसफिशियंट है। जो ये 10 है, ये जो 10 मीटर है क्या होना चाहिए जी, ये 10 मीटर ना होकर क्या होना चाहिए जी, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड देना चाहिए जी। इसने कुछ डेटा में क्या किया है जी, गड़बड़ी किया है। तो चलिए इसको ले लेते हैं, फिर से बना देते हैं। वी बराबर क्या आ जाएगा, यू प्लस ए टी। तो वी क्या हो जाएगा, जो भी रहे निकालना है हमको। यू क्या है जी, तो 9.8 है, माइनस 9.8 जी की वैल्यू क्या है जी, माइनस में लेंगे इनटू 2, तो क्या मिलेगा, वी बराबर 9.8 क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा मीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है, सीन ऐसा हो रहा है कि अगर इतना पे इसको 2 सेकंड बाद पूछ रहा है, अगर इसका 9.8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड है, तो 1 सेकंड में क्या होगा जी, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचेगा और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। फिर से 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, उल्टा होगी। यहाँ वेलोसिटी इधर होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो यही कंसेप्ट बन रहा है, इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है और यही मेन क्या है जी, आपका मूल मंत्र है जी। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। आज मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया, आपको पता भी है, ऑनलाइन मैंने लाइव आने का कोशिश किया था कि लाइव आके बहुत सारे वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए, मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें दिक्कत हो जाएगा, लेकिन एक आध दो वीडियो डालूंगा लाइव पे भी, अगर उस पर अच्छा विजुअल है, विजुअल इफेक्ट अगर सही रहेगा तो मैं उसी को लाइव करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, प्लीज लाइक कर दे और बेल क्लिक कर दे। थैंक यू।